नमस्कार, स्वागत है आपका उल्लेख न्यूज में। हम एक बार फिर हाजिर हैं देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के साथ। मुरादाबाद में जूस की दुकान के नाम को लेकर जमकर हुई मारपीट। मथुरा थाना क्षेत्र के जूस की दुकान के नाम पर आपत्ति जताते हुए हिंदुवादी संगठन के लोगों ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि दुकानदार के साथ मारपीट भी कर दी गयी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने में ले गयी, जहाँ दोनों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हुए तहरीर दी। एसपी ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। दरअसल थाना महिला के खुशालपुर रोड पर महिलाल स्कूल के सामने श्री साई के नाम से जूस की दुकान है। इसे मुस्लिम समाज का एक युवक चलाता है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं की नजर पड़ी तो उन्होंने इस पर एतराज जताया और गुरुवार को शाम हिंदुवादी संगठन के लोग दुकान पर पहुंचे और दुकान स्वामी से दुकान का नाम बदलने को कहा। इसी को लेकर कहा सुनी हो गई, लेकिन उसने दुकान का नाम बदलने से मना कर दिया। इसके बाद हिंदुवादी संगठन के लोगों ने जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। थाना सिविल लाइन पर आए, क्या मामला है? थाना मंझोला। ये बुद्धि विहार में एक दुकान थी, साईं जूस सेंटर। तो कार्यकर्ताओं को पता लगा तो कार्यकर्ता गए, उससे ऐसा निवेदन किया कि दुकान का नाम बदल दो, ये हिंदू देवता का नाम है, हिंदू भगवान का नाम है। हम इसे पूछते हैं, आप एक मुस्लिम व्यक्ति हैं, शब्बू नाम है, तो अपने ही धार्मिक चिन्हों को बनाकर धार्मिक नाम रख के ऐसी दुकान खोलिए। तो जब निवेदन नहीं माना तो 100 नंबर को फोन किया गया, पुलिस को बुलाया गया, पुलिस से उसे पकड़वा दिया गया। फिर थाने में हम भी पहुँचे तो थाने में जो है मुकदमा लिखवाया गया। फिर उच्च अधिकारी एडीएम सिटी, एसपी सिटी और एसपी साहब आए, बातचीत हुई तो इस बात पे सहमति बनी कि वो अपना नाम, जो दुकान का नाम है वो चेंज करेगा, बदलेगा, उसको जो है मुस्लिम चिन्ह या मुस्लिम जो अपनी जो है मान्यताएं हैं उनके आधार पर उसका नाम रखा जाएगा। तो इस सहमति से यहाँ जो है आपस में समझौता हो गया। और आप देख रहे हैं उल्लेख न्यूज़, हर खबर पर पैनी नजर।